तो करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नगर पालिका अम्बेडकर भवन में बने सभागार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। बता दें समारोह में मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग से उपाध्यक्ष बैरवा रहे। बता दें इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा शिलान्यास पट्टिका का उद्घाटन सहित फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माल्यार्पण साफा बंधन कर स्वागत किया गया। नगरपालिका परिषद राजकुमार जैन ने कई वर्षों से कस्बे में गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने, सीवरेज लाइन डलवाने को लेकर अवगत कराया। वहीं नगरपालिका परिषद प्रतिनिधि बनवारी लाल ने नगरपालिका में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कराने सहित परमानेंट ईओ बैठाने को लेकर अवगत कराया। इस कार्यक्रम का समापन नगरपालिका अध्यक्ष संजय गिरजगाड़िया द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर समुंदर सिंह, महावीर प्रसाद गौतम सहित अनेक पार्षद कर्मचारी मौजूद रहे। ये बहुत ही आलिशान सुविधायुक्त बनाया गया है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब, जैन साहब और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण करवाया है। मीटिंग में सीवरेज लाइन का भी मुद्दा उठाता है, इस पर क्या सीवरेज की मांग आई है? पहले मांग आई थी, इसके लिए मैं बहुत जल्द मंत्री धारीवाल से मांग करूंगा। मैंने पहले भी करी थी, लेकिन इसके लिए एक साथ मिलकर मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि वो जयपुर आए तो हम धारीवाल साहब से मिलेंगे और नगर पालिका खेडली में जो सीवरेज की समस्या है दूर करेंगे जल्द। एक बाईपास पर जो नाला बनाया है वो आधा ही काम छोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? काम चल रहा है, मैं चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया कि जल्दी उस काम को पूरा करेंगे।